बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो दोस्तों, हमारा सीलिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। सारे रूम के अंदर सीलिंग लग चुकी है। उसके बाद छत वाली भी सीलिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद मैंने इनके अंदर जो सीलिंग की प्लेटें होती हैं उनके अंदर लाइटें भी लगवा ली हैं। ये देखें, चार लाइटें मैंने लगवाई हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा काम रह चुका है अब पंखा लगने वाला। उसके बाद कुछ पर्दे लगने वाले रह गए हैं। एक पर्दा मैंने आज लगाया है, बाकी काम रह चुका है। बाकी ये मैंने जो शीटें थी वो भी मैंने लगवा ली हैं। उसके बाद दोस्तों, ये एक दरवाज़ा जो था ना, इसकी वजह से ये शीट एक ख़राब हो चुकी थी, फिर मैंने चेंज करवाई है। अब उसका मैंने हल कर लिया है। यहाँ पर ये मैंने एक मैगनेट लगवाया, ठीक है। जब वो दरवाज़ा खुलेगा तो इससे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है, और हमारी शीट भी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद तीन पर्दे रह चुके हैं दोस्तों लगाने वाले। एक ये दरवाज़ा है वॉशरूम का, एक ये बाहर जाने वाला गराज के अंदर दर डोर है, और उसके बाद ये एक सामने है। ये तीन पर्दे लगाने हैं, एक पंखा लगाना है, उसके बाद इस फ्रिज को सेट करना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे सोफ़े वगैरह, इनके ये जो कवर वगैरह हैं वो चेंज होंगे। उसके बाद ये जो दरवाज़े हैं इनको पॉलिश भी करना है। सबसे जो मेन काम है इनकी पॉलिश। उसके बाद हमारा जो रूम है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। सीलिंग मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखें, मैं आपको जूम करके चेक करवाता हूँ। ये देखें, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका। और आज के बाद मैं इसी रूम के अंदर सोया करूँगा। मैंने अपना बिस्तर आज के बाद यहाँ पे मैं ले आया हूँ और यहीं पे मैंने सोना करना है। और उसके बाद दोस्तों, मैं सोच रहा था यहाँ पे थोड़ी बहुत और डेकोरेशन की जाए। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फूल वगैरह होते हैं वो लगाए जाएँ, और उसके बाद और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने LCD भी लगानी है, और उसके बाद हमारा जो रूम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये मैंने अपने लिए खुद पर्सनल जो मैंने रहना है इसमें मेरी दुल्हन रहेगी, तो मैंने कपल रूम रेडी किया है। और आप दोस्त मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये हमारा जो कपल रूम है वो आप दोस्तों को कैसा लगा है। तो ये जो मैंने रूम रेडी किया अपना कपल रूम, तो दोस्तों इसमें मेरा 50,000 से ऊपर खर्चा आ चुका है, और 30-40,000 मुझे लगता है कि और ख़र्चा मेरा जो है ना इस रूम के ऊपर आ जाना है, क्योंकि जो दरवाज़ों को पॉलिश होनी है वो काफ़ी महंगी है, और भी छोटे छोटे काम करने वाले हैं। तो सारा मैंने टोटल खर्चा किया है जो भी है अभी तक तो 50,000 हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि 30,000 रुपया और हो जाना है मेरा खर्चा। तो अगर आप भी ये कपल रूम रेडी करना चाहते हैं तो मैं इसीलिए आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि आपने अगर 12x12 का कमरा रेडी करना है अपने लिए कपल रूम, तो वो आपका 50,000 तक आपका खर्चा आएगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।